वेलकम बैक नासिरन प्रोग्राम जे बेसे में पाण गाल बोल कंदासीं। अज अहम मेजर डेवलपमेंट थी आहे। अगूणे जज शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी जी बरतरफी जो जेको फैसलो आहे उनखे कालादम करार ॾिनो वियो आहे। अदालती फैसले में चयो वियो आहे त जस्टिस रिटायर्ड शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी खे रिटायर्ड तसवुर कयो वञे, लेकिन उनखे जेको आहे बहाल नथो करे सघिजे। गॾो गॾु प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पारां हिकु रिपोर्ट जारी कई वई आहे, जंहिंमें उन्हनि जो चवणु आहे त मौसमियाती तब्दीलियुनि सबबु पाकिस्तान खे हर साल $4 अरब जो नुकसान थिए थो, ऐं पाकिस्तान उन्हनि 10 मुल्कनि मंझां आहे जेके मौसमियाती तब्दीलियुनि सबबु सभ खां वधीक मुतासिर थियनि था। सभ खां पहिरियां नसीर साहब, अव्हां जी तरफ़ ईंदुमि। हे जेको अॼु अॻूणे जज शौकत सिद्दीकी वारो फ़ैसिलो आयो आहे, छा राय आहे इन हवाले सां? साईं जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब, अव्हांखे यादि हूंदो 21 जुलाई 2018 ते पिंडी बार में हिकिड़ो ख़िताबु कयो हो, ऐं हुन पंहिंजे ख़िताब में ॾाढे हिकिड़े दबंग अंदाज़ में हुन ॿुधायो हो त कीअं जेके ताक़तवर इदारा आहिनि उहे अदलिया ते असरअंदाज़ थियनि था। सभिनी खे ख़बर पहिरियां ई हुई, पर हिकिड़े जज अची गवाही ॾिनी ऐं ॿुधायो त फलाणा फलाणा जेके केस आहिनि उन्हनि में एतिरी सज़ा अचणु खपे, या हिननि माण्हुनि खे जेके फलाणा पोलिटिकल माण्हुनि खे को रिलीफ न मिलणु खपे। उन्हनि वाज़े तौर ते उन्हनि माण्हुनि जा नाला बि खयां, इदारनि जा नाला खयां, ऐं उन ॾींहं खां वठी बजाए जो उन जी हिकिड़ी शफ़ाफ़ जांच थिए हा, जिन जज आहे ज़ाहिर आहे हिकिड़े मौज़ूब माण्हू, त उहे जेको इल्ज़ाम हणे थो पियो त उन्हनि जी बजाए हिकिड़ी इन्वेस्टिगेशन थिए हा उन्हनि माण्हुनि खां, उन्हनि इदारनि खां। पर ज़ाहिर आहे ॾाढे जी लठ खे ॿ मथां चवंदा आहिनि न। सो उहो जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहबु असांखे जुलाई में तकरीर कंदे नज़र आयो पिंडी बार में। उनखां पोइ जेको उन माण्हू भोगियो आहे उहो पाण सभिनी जे साम्हूं आहे। 11 अक्टूबर 2018 ते खान साहब जे दौरे इक़्तदार में असांखे नज़र आयो त वज़ीर आज़म साहबु हिकिड़ी सिफ़ारिश मोकिली सदर खे, सदर उहा सिफ़ारिश मंज़ूरु करे वरिती, ऐं ईअं सुप्रीम जुडिशल जेका काउंसिल हुई आहे उन्हनि खे हिकिड़ो उहिदे तां हटाए छॾियऊं। ऐं सोचो त 18 खां वठी हाणे 24 जी पाण वेठा आहियूं मार्च में, त उन्हनि खे बहाल त जेको कालदम करार ॾिनो वियो उनखे हटाइण वारो फ़ैसिलो आहे, पर तेसि ताईं उहे हमराह जेके आहिनि उहे रिटायर थी चुका ऐं अॼु वञी उन्हनि खे थोरो घणो ई सही इंसाफ़ मिलियो। पर ख़ुशि नसीब आहिनि, आउं चवंदुसि वरी बि जस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहिबु जो, उन्हनि खे एतिरे अरसे में ई इंसाफ़ मिली वियो। न त भुट्टे साहिब खे त 44 साल लॻा हुआ, उन्हनि खे 4 सालनि में ई केस हद ताईं उन्हनि सां इंसाफ़ ज़रूरु थियो आहे। बाक़ी अॼु जेको फ़ैसिलो आयो आहे उन में इहो ॿुधायो वियो आहे त उन्हनि खे रिटायर तसवर कयो वेंदो, बाक़ी जेके उन्हनि खे मरातूं मिलणु खपनि उहे मिलंदियूं। सो ॻाल्हि इहा ई आहे त मतिलबु उन्हनि जी जेका ॻाल्हि हुई उहा नेठि सही साबित थी, ऐं पर तंहिंजे बावजूदु वॾी ॻाल्हि इहा आहे त जन माण्हुनि ते उन्हनि इल्ज़ाम मढ़िया हुआ, उन्हनि खां का जांच थी, उन्हनि जे लाइ सज़ा ऐं जज़ा जेको हिकिड़ो कानून तय थियो जेको कोन थी सघियो आहे। ऐं बार बार असीं चवंदा आहियूं त जिथे बि जेको बि हिकिड़ो को वॾो ब्लेंडर थिए थो, जेसि ताईं उते सज़ा ऐं जज़ा वारो कानून लागू न थींदो त मतिलबु अवां उहे खिड़कियूं, उहे दरियूं, उहे दरवाज़ा जेके आहिनि उहे बंदि कोन था कयो, उहे रूणियूं जेके हूंदियूं नंढियूं नंढियूं पहिरियों रूणियूं लॻंदियूं आहिनि, पोइ हिकिड़ो वॾो जेको आहे खंडु पवंदो आहे या बंदि टुटंदा आहिनि। सो असां अॼु ॾींहं ते बि उन्हनि रूणियुनि खे बंदि करण ते को फोकस कोन कयो आहे। सज़ा ऐं जज़ा जेसि ताईं न हूंदी का गारंटी कोन्हे त सुभाणे वरी ॿियनि खे डिक्टेशन मिलंदी, ॿिया ईअं सालनि जा साह रुलंदा रहंदा ऐं आख़िर में रिटायर थी वेंदा ऐं पोइ उन्हनि खे इंसाफ़ मिलंदो। इरफान साहब, अव्हां जी छा राय आहे इन फ़ैसिले जे हवाले सां? साईं, हाणे मुंहिंजो ख़्यालु आहे त इंसाफ़ त न थियो आहे इन केस में। शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब खे कंपनसेशन ज़रूरु मिली आहे, थियणु त ईअं खपे आहे। हिकिड़ो नुक़्तो ॾाढो नसीर साहबु ज़बरदस्त उथारियो त जेके सिद्दीकी साहब इल्ज़ाम हया हुआ उनजी जांच छो न थी। सभ खां पहिरियां त उनजी जांच थियणु खपे आहे, उन्हनि ते सवाल ई न उथारियो वियो आहे। हाणे बि टाइम आहे जस्टिस काज़ी फ़ैज़ी साहब वटि, हू इन मामले ते हिकिड़ी जुडिशल कमीशन विहारे सघे थो, छो जो शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी को 17-18 ग्रेड जो को आफ़िसर त कोन हो न, को क्लर्क त कोन हो, हाई कोर्ट जो जस्टिस हो, हाई कोर्ट जो जस्टिस जेका बि वफ़ाक़ी गादी वारे शहर इस्लामाबाद अची आहे। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त कंपनसेट कीअं कयो वियो आहे सिद्दीकी साहब खे, त हिकिड़ो 2018 में पिटीशन फाइल थिए थी जेका अची डिस्पोज ऑफ थिए थी 2024 में। छह साल लॻी विया हिकिड़े हाई कोर्ट जे अॻूणे जस्टिस खे इंसाफ़ वठण में। थियणु त ईअं खपे आहे त जॾहिं काज़ी फ़ैज़ी साहबु ऐं संदसि जेका 5 रुकनी बेंच हुई उनखे जॾहिं महसूसु थियो आहे त शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब जी जेका टर्मिनेशन आहे उहा रॉन्गफुल वे सां कई वई आहे, त हीउ मामिलो रिवर्स थिए आहे 6 साल पहिरियां साॻी पोज़ीशन ते। इहो इन में कहिड़ो लॉजिक ॾिनो वियो आहे त 62 साल उनजी उमिरि पूरी थी वई आहे, इन जे करे असां उनखे बहाल नथा करे सघूं, उनखे तव्हां रिटायर तसवर कयो। अंग्रेज़ी में हिकिड़ी चवणी आहे, मां त उनखे उनजो सिंधी तर्जुमो ॿुधायां थो, जे उन में आहे त इंसाफ़ करे छॾियो, दुनिया तबाह छो न थी वञे, इंसाफ़ तव्हांखे करिणो आहे। इंसाफ़ जी बुनियादी तक़ाज़ा इहा हुई शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब खे हिकु भेरो ॿीहर बहाल कयो वञे आहे ओतिरे ई टेन्यूअर जे लाइ जेतिरे टेन्यूअर जे लाइ उनखे जेको आहे सो नौकिरीअ तां हटाए वियो, उहिदे तां हटाए वियो। इहो बि ॾिसणो आहे त जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब वटि कहिड़ा केस लॻल हुआ जंहिंजा उनखे फ़ैसिला करणा हुआ, उनजा बाद में कहिड़ा फ़ैसिला आया,
पर पाकिस्तान है इतने हर कोई मर्जी से सिस्टम हलो है ठीक है कंपनसेशन मिली वही तारीख में दुरुस्तगी भी एकड़े किस्म की थी वही टीवी ते वही हर को भले भले चवनो पर एक्चुअली यो इंसाफ ना है जंके असी इंसाफ चो इंसाफ यो कतल है ठीक ठीक है नसी साहब आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का रिपोर्ट पदरी कई है उन्हें जो चवण है तो मौसमियाती तब्दील सब पाकिस्तान के जो चार जो सो अरब डॉलर जो नुकसान थे तो एक साल के अंदर असा डिठो जैसे इलेक्शन्स का पैर पॉलिटिकल पार्टीज पाँच मंशूर पेश सिवाय पीपल्स पार्टी के कें भी पॉलिटिकल पार्टी मौसमियाती तब्दीली जी असर उन्होंने गाल बोल न कई उन्होंने लाइ कदम की गाल बोल न कई हेडो वो नुकसान थे पो इंदर नसल की बका जो भी मसलो है आखिर जी असोके वाग धनी आज मैं खी चव उन ध्यान इन तरफ छो नो वे इन भी हम कुछ तलख गाल कर चाहस असं ओवरऑल एज ए नेशन जो माहौल दोस्त न माहौल दुश्मन आयो नेचर दुश्मन आयो असा के न पखी खपन न असा के जानवर खपन न असा के दरिया खपे न असा के समुंड खपे न असा के बेला खपन न असा के वण खपन का शे न खपे एकड़ो आम जो नंढड़ो मिसाल तो दियां बेसिकली पान सब गोठाना आयो गोठानी लाइफ रहा आयो उते एकड़ो जो धनार हुंदो आहे उनके हथ में कुहाड़ी हुंदी ही न वो वींदे वींदे भी डज 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 को बूटो रिठाई का टारी ठई कटींदो वेंदो बगैर कें रीजन के बगैर कें सबब जो यो बूटो आ जाहिर सलो आ गौच आ सलो थो अग में बूटो थो बूटे का वण थो वो वण छाँव ी मतलब वो असो कॉन्सेप्ट ही को रो हाँ दुनिया यो जाहिर है दुनिया लेवल यो कानून आए तो जी जैं भी मुल्क जी एराजी थे थी मुख्य एतरी स्टडी को पर जहाँ है ये पा हिंसर मौजूद से ाल पा न इन सुठे अंदाज से पा अन अंगन अखर से ाल पर जी जान है तो जहाँ भी जैं भी मुल्क जी पखेड़ होंगी है उनको तय हों घट में घट जो है घट में घट पंजवी सैकड़ों का वधीक जो है वो फॉरेस्ट होजन खपे उते बेला होजन खपन पाकिस्तान की सूरत हाल हिंसर खबर है पाकिस्तान में 9% हो पंजवीन में वो 9% वो भी हाँ 10.1% से वही पौतो है तंजा बेला खत्म थी वह अवा सिंध की गाल दिसो सूरत हाल दिसो बेला को किथे भी नजर को अचन जैसे सांगड़ की गाल क्या तो असो जो शहर है खिपरो वो जी अस टपंदी खिपरो वाह तो पर बेलो शुरू थी साल प्रैक्टिस कड़ी रही तो बेलन के बाह डिबी हथ से उन जमीन ठाई बो वो जमीनू वन वन मानन के लीज से डिबू ये तहजा बेला खत्म थी अस बेला खत्म कर छियासी उनके अस जरई लैंड में आंदोसी उन कराची की जैसे पा गाल क्यों तो कराची जो जो मलीर गदापारो इलाको है इनके सदियन साल वी यो वो तो कराची के लिए फिफड़न जो किरदार अदा कह है मलीर जिलो तो गदापारो एरिया इतना का तक फ्रेश ऑक्सीजन मिलन है उते फल फ्रूट सब्जियों थन्दी हुई थो इवन डिक्टेटर ज़ियाउल हक के दौर में कानून मंजूर थियल हो तो उत रिहायशी स्कीमू नी ठही सन दौर आयो उत रेती बजरी जो कारोबार शुरू थो वो जेर जमीन जो पानी हो जर जो हेठ हलो हो जरात तबाह थी वही हाँ वे पैमाने के उत वी वी हाउसिंग स्कीमू ठही व्यून उदा वही तह ग्रीनरी केदा वो तुम ऑक्सीजन कराची शहर जिते पा वेठा आयो हर पास जिसूँ कंक्रीट जो जंगल नजर तो अचे तक वण नजर को अचे फिलहाल तौर से जो मथा वही तस्वीरों कटी ऐसो सैटेलाइट के तौर पर अज कराची जो शुमार कदें थे तो दुनिया के आलूदा तरीन शहर में बे नंबर से आ कदें पेरे नंबर से आ सो अस इंटरनेशनल लेवल से जो पॉल्यूशन के मामला उन्होंने तो मोह दूँ पा पर अस एज ए नेशन असके हुकुमरान कदें अस कें मू मुजाहरा क्या तो भई जो मुख्तलिफ पार्टियों बुधा तो मंशूर में तो लिखी तो चन पर उन अमल भी कन को मंशूर से भी अमल को थे इवन तहो दरिया जो है सिंधु दरिया जो अस जियापे जो वाहिद सबब है सज मुल्क जो खास तौर से सिंध जो उनके अस गटर नाले में तब्दील कर छो है असो समुंड दिसो सजो गटर नाले में तब्दील थी है तिमर जहा बेला खत्म थी वह आबी जीवत खत्म थी वही इंसानी जिंदगी से नो डाउट उनका असर थन पा कारूंझर के कड असि हाँ लगा सो असके जो है हमेशा नजर इंदी है कारूंझर में असर ग्रेनाइट नजर तो अचे गदा में असर लैंड नजर थी अचे उत ग्रीनरी जो है वह असर नजर ही को अचे यो अस हुकुमरानों को भी अलमियो है यो अस मानून को भी नजर जो है अलमियो है जैसे इन पा सब ये एक आवाज थी कर ाल तो शायद जो इकतदार धड़ी जी असं चूं था उन्होंने भी कुछ असर थे इन हरकतों का बाज अचन जैसे अज अस ये न कर तो घट में अज अस दौर में ये है आलूदा तरीन शहर में शुमार तो थे सोचो तो असा जैसे पोटराण थी समाज में इन माहौल में इन शहर में साह खी सी
सो असी जो कुछ ये हरकतों क्यों पा न रुगो पे पान से जुठ था क्यों जुलम था क्यों पर जो असड़ नस्लू आन अस उन्हें नस्लन से भी जुलम था क्यों। बिल्कुल नसी साहब अवां की सभी गाल मुतफिक आया खास तौर ये महसूस नहीं तो कड़ी मखसूस माफिया है जी चाहे थी तो ये माना ग्रीनरी नेचर है वह न हो सिर्फ सिर्फ कंक्रीट हो जैमें उन्होंने कुछ मिले। इरफान साहब अवां राय है इन मौसमियाती तब्दीली की रिपोर्ट के हवाले से आखिर इन कम छो न पो थे। जैसे नसीर साहब गाले पो तो मैं गौर से बुधा पो नसीर साहब के नसीर साहब इन मामले से गाले तो उन रीज़न यो है जो तुम इशू खो है मौसमियाती तब्दीली जो बेसिकली यो इशू महजिब कौमन मोहजन महजिब मुल्कन महजिब मुआशरन विच में बहस हेटी है पाकिस्तान में खास कर सिंध में अस वेही मौसमियाती तब्दीली की गाल क्यों या मौसमियाती तब्दीलियों जे तब्दीलियों उन्हें कारण कड़ा या इन कें असं इन में सुधार आने सूँ था इनते वेही गालण शायद मुझे लिए तो घट में घट पे दफो है अस इन मामले में तमाम घना अणजाण आयु। नसीर साहब बुधायो एक बाइनर गाल बुधाई तो गोठन में जैसे असी दिसूं था धनार है एक हथ में कुहाड़ी है वह भी बूटा वण वे तो कटी बेसिकली हि जो मौसमियाती तब्दीली है इनके असांजे सब्जेक्ट में शामिल होजन खपे। तां पंजे इंट्रो में चयो त माहौलियाती तब्दीलियुनि में असां 10 नंबर ते आयूं बेसिकली 10 मुल्कन मां मंझा आयूं मतलब अञा नंबर 10 हां 10 टॉप 10 में आयूं टॉप 10 में आयूं बेसिकली चाहां के चवण ये खपे आ त इन मखलूक असां इन धरती असां इन कायनात असां दुश्मनी कंदड़न मां जेके 10 जणा आहिनि उन्हनि मां हिकु असां भी आयूं असां जेका हिते पंहिंजी धरती असां पंहिंजी मखलूक असां सॼी कायनात असां जेको ज़ुल्म कयो आहे न अणजाणाई में बेखबरी में उनको असें अंदाजो भी ना तुम बुधा गोठन में जै मी वसंदा हा अस जैसे नंढा हूँ हाँ नसीर साहब तक भी याद हों तो असें वणन से गेरा मिलंदा हा झिरकू मिलंद कबरू मिलंद हाँ अस जैसे गोठ वनू था अस पखी अणलब नजर अच्छा मिलन ही मतलब ये झिरकी थो गेरों थो कबर थी वही ये तो एतरा हूँ हा जो असें याद थी वा हा या अस कें पकड़े वेजा पर हाँ उसे गोल्हे ना लभन तुम कहीं सोचो है तो यो छो है ये पखी काडे वया अस जो पेस्टिसाइड यूज क्यों था जो बिज छचूँ था जो जमीन में जहर उछलूँ था एक तो पखियन की उन नसलकशी थे थी पखी भी इन माहौलियाती तब्दीली जो ही हिस्सो आन वण पा दिसासी अगमे बेला तो हाँ नसीर साहब तुम माना यहाँ मुहजिब मानून वाली मुहजिब मुआशरे वाली गाल कई जिते बेलन के पालियो वे या उन की कदर कई वे या बुधा वे मानून के बेला छो जरूरी है कें भी कौम के लिए कें भी मुल्क के लिए या मौसम के लिए अस अगमे जमीन से पा दिसासी वण हूँ हा मुख्तलिफ़ टाली जहा वण बबुर जहा वण बेदमुश्क जहा वण वाहन की टाप से पा दिसासी कोई भी फसल होंद उत वण जरूर नजर इंदो पर विच में वरी एकड़ो ट्रेंड आयो काठ जो व्यापार उन में पा दिठोसी तो एक वण भी न छो पो सब या सब जो वण आन उन्न कटे खपाए छाया पोखण के लिए अस तैयारी ना हूँ। सो ही जो मामलो है ही तमाम घो सेंसिटिव है ही अस भोगो है 2022 में 21 में जो बोड आई उन नज़र में अस भोगो है दुनिया भोगे पे थी पर पाकिस्तान अस अना तीन इन मामले से कम कर तैयार ना हूँ तो मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए या असंद नसल के लिए केडो वो खतरो होंगी शायद हि किस्म जो इशू आन किस्म जो मामला जो तरजीह बुनियाद से हल क्या वन या टॉप 10 जो लिस्ट होजन खे तो बबा ये कम अस एनी हाउ करना उन्हें में रखन खपे पर ही परे परे तई अस इन मामले से सोचू ही ना का माहौलियाती तब्दीली भी थी है को माहौल के भी बचाणो है असा शहर असा गोठ असो इलाको माहौल दोस्त भी बनाइण है इतने न अस हुकुमरान के याद है न अस सिविल सोसाइटी के याद है न ही वरी अस पा ख्याल क्यों था इन मामले जो इन बिल्कुल कुछ दिन पैर दिखो हो तो कें यूनिवर्सिटी में भी वणन की वाढ़ी थी जिते पढ़ल लिखल मानू होजन था उए पान नेचर जा दुश्मन होजन था सिक्योरिटी जो मसलो थी हो सही सिंध यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी जो मसलो हो आई चयो तो बाबा हाने ज़हनियत दिसो तो वण माना उन सा सिक्योरिटी जो मसलो आ इन इयां तो कैंट एरियाज में सब का दी ग्रीनरी अस के उते थी नजर अचो उते सिक्योरिटी जा मसला कोनन इन किस्म जा जेकरे ता वेहारिंदो सरबराह करे यूनिवर्सिटी जा जन जी ज़हनियत या हुंदी तो वण वडियो ये सिक्योरिटी जो इशू है पाकिस्तान 10 मुल्कन में अचे तो जिनते मौसमियाती तब्दीलियों जो असर है पर सिंध पाकिस्तान में सब का मौसमियाती तब्दीलियों सब मुतासिर थींदड़ सूबो है सिंध हुकूमत के कड़ा इन हवाले से उपाय वठन घुर्जन केतरा वा चैलेंजेस इन हवाले से अवां जी इन हवाले से का तजवीज़ बिल्कुल यही है फॉरेस्ट पूरा डिपार्टमेंट है
पर वो करे पो भाई ये साल से इंदी है बजट होंगी है खपायणी होंगी है मुख्तलिफ़ चैनलों के अखबार के वो डींदा एड वो चुनाव वणकारी मुहिम की शुरुआत थी भाई एतरा लख वण अस लगे छियासी मुझे सदा ही सवाल ये होंगे तो वण लगाने मसलो को वण की पालना उनकी तात बार वागुर कबी है उनका संभाल थी भाई तुम एतरा लख एतरा करोड़ तुम बूटा लगे छिया रोबो कर मुख्य लगन तो भाई उनका उनको नतीजो निकतो वो वण वो थो न थो उनके कें बचा कें जानवर का बकरी खाई वही थी उनके पानी मिलो न मिलो सो रुगो बयानबाजी न होजन खपे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पंजो किरदार अदा करो पव वो तदें जैसे कौमू जाहिर मालिकी कद कें भी इदारे की कें भी पंजे दरिया की समुंड की बेलन की हिफाजत जेस तई मू न कह तो हुक्मरान तहजा कदें को हुक्मरान किथे भी सच इनमें अवहां जो मीडिया जो वो रोल है इनमें सिविल सोसाइटी जो वो रोल है हर फर्द के नंढड़ो मिसाल है टाइम पान वट को इतने क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट मसूद लोहार साहब शुरू किया कचरे जो ढेर हों हाँ वही दिसो तो गुलो गुलजार लगो पे है मुख्तलिफ़ किस्म जहाँ पखी उत लहन था मुख्तलिफ़ जो फ्रूट रींदड़ बूटा वण उन्न पोखिया गंद के ढेर का उन्होंने गुलो गुलजार बनाए छोड़ो एक फर्द जानी अचे तो मसूद लोहार जड़ो तो तक ही एरिया सेट कर प्रेसिडेंट एक मिसाल ठाए दिनों आन ये जो इदारो या एक डिपार्टमेंट या एक सूबाई हुकूमत चाहे तो समूरी सिंध समूरो मुल्क ये गुलो गुलजार नो सके बिल्कुल थी सके तो वरी गाल है नियतन जी अमलन जी उए बजट आन उ पैसा किथे खपाइणा सही माना में खपाइणा न जैसे ये कहसी तो ये अर्बन फॉरेस्ट बिहार चाहे क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट ये वा मिसाल इनके जैसे अगते वधायूं तो शायद असाजा इंदड़ नसल जो बेहतर माहौल में साह खी ठीक है नसीर साहब वही मेहरबानी प्रोग्राम में साहब अवी वही नाजरीन इन गुड प्रोग्राम जो वक्त पुजाणी तो पौतो दींदा इजाजत अल्लाह नगेबान।